थर्ड क्वेश्चन, एक फल प्रश्नावली एक का तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, एक फल की दुकान में क्या है? 2 किलोग्राम सेब मिल रहा था और 1 किलोग्राम सेब अंगूर मिल रहा था कितने रुपए में? 160 रुपए में। तथा उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो इससे हमको समीकरण बनाना है। माना कि 1 किलोग्राम सेब का कीमत है X रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत है Y रुपये। 1 किलोग्राम सेब का कीमत है X रुपये, 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत है Y रुपये। ये कि ये क्या हम माना कि है ना। तो पहला दिया हुआ है पहला शर्त प्रश्नानुसार, पहला दिया हुआ है 2 किलोग्राम सेब मतलब कि 2X प्लस 1 किलोग्राम अंगूर वाई इज इक्वल टू 160 रुपीज़ है ना। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा क्या दिया हुआ है? उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब 4X प्लस 2 किलोग्राम अंगूर 2Y इज इक्वल टू 300। ये हो गया दो समीकरण हमको यहाँ पे प्राप्त हो गए, 2X प्लस वाई इज इक्वल टू 160 एंड 4X प्लस 2Y इज इक्वल टू 300। ये हो गया दूसरा समीकरण इस प्रश्न का। अब चौथा प्रश्न दिया हुआ है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले, 7 साल पहले अभी नहीं, 7 साल पहले क्या है, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसको कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। पहले तो दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, नरेश ने कहा कि नरेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पहले देख लेते हैं। नरेश माना कि चौथा है, माना कि नरेश की वर्तमान आयु क्या है? एक्स। और उसकी पुत्री की उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? वाई। ये दोनों हम मान लिए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि नरेश नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। तो 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगी? नरेश की आयु क्या हो जाएगी? अभी वर्तमान में जब नरेश की आयु एक्स है तो 7 साल पहले एक्स माइनस 7। उसी प्रकार से 7 साल पहले पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? पुत्री की आयु 7 साल पहले वाई माइनस 7। अब नरेश कहता है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब कि एक्स माइनस 7 वर्ष पहले में मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। तो समीकरण कैसे बन जाएगा? नरेश ने कहा कि एक्स माइनस 7, नरेश ने कहा कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी है ना। एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। ये एक पहला शर्त अनुसार उस प्रश्न में जो पहला शर्त दिया हुआ है, पहला शर्त 7 साल पहले वाला, 7 साल पहले नरेश कहता है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु उसकी कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी।
7 साल पहले दोनों की आयु निकालेंगे, फिर उसके बाद 7 दूनी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 7 × 49। अब चर चर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ रखने पे एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 49 इधर आके हो जाएगा प्लस 7। एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 42। एक्स माइनस 7 वाई प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा पहला समीकरण, एक्स माइनस 7 वाई प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो पहले शर्त के अनुसार पहला समीकरण हमको ये प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि आगे प्रश्न में क्या बोला है। आगे प्रश्न में बोला उससे हमको दूसरा समीकरण मिलेगा। पहला समीकरण हमको मिल गया। अब देखते हैं कि इस प्रश्न में आगे क्या कह है, क्या बोला है। प्रश्नानुसार दूसरा बोला है कि 3 साल बाद, पहला बोला है कि 7 साल पहले वाला शर्त है, उसके बाद 3 साल बाद। प्रश्न में देखते हैं हम, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि अब बोल रहा है उसके पिताजी बोल रहे हैं कि अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब से 3 साल बाद मेरी आयु जो है तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कौन कह रहा है? नरेश कह रहा है अपनी पुत्री से। फिर से 3 साल बाद प्रश्नानुसार 3 साल बाद नरेश की आयु क्या हो जाएगी? 3 साल बाद नरेश की आयु क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3। अभी जब एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी 3 साल बाद वाई प्लस 3। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न में कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद दोनों की आयु लिख लेंगे। उसके बाद बोल रहा है नरेश बोल रहा है कि अपनी पुत्री से कि मेरी आयु जो है तुम्हारी आयु की 3 गुनी। तुम्हारी आयु की बोला है ना, तो जिसमें की हो जाता है उसी में गुना कर देते हैं। प्रश्न में जो उससे दिया रहता है उसको समझ करके क्या करते हैं, बोल रहा है नरेश बोल रहा है ये हो गया नरेश की आयु वो भी 3 साल बाद, ये हो गया उसकी पुत्री की आयु वो भी 3 साल बाद। तो नरेश बोल रहा है अपनी पुत्री से कि मेरी आयु जो है तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों से हम समीकरण प्राप्त करते हैं। अब ये आ गया, उसके बाद x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 × 9 एक्स प्लस 3 माइनस 3y प्लस माइनस 3y माइनस 9 इधर सबको लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 2y और ये माइनस 6, माइनस 2y माइनस 6। और x तो बचा हुआ है, x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। यही दोनों समीकरण हमको इस प्रश्न में निकालना था। पहला समीकरण प्राप्त हुआ था क्या, x माइनस 7y प्लस 42, एक्स माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण मिला था और ये है दूसरा समीकरण इसका उत्तर। ये दोनों क्या हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए कितना किलोमीटर दूरी करता है? 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह किसका उपयोग करता है? ट्रेन और टैक्सी का, मतलब कि ट्रेन और टैक्सी से वो दूरी तय करता है कितना? 90 किलोमीटर है ना। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, जो टैक्सी से तय की गई दूरी है वह ट्रेन से तय की गई दूरी की दो गुनी है। ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। प्रश्न समझ में आ गया, अब उसको अब चलो हल करते हैं। माना कि ट्रेन और टैक्सी से तय की गई दूरी हमको पता नहीं है, तो माना कि
ट्रेन से तय की गई दूरी क्या होगी? एक्स। और टैक्सी से तय की गई दूरी क्या मान लेते हैं? वाई। मान लिए टैक्सी से तय की गई दूरी मान लेते हैं वाई और ट्रेन से तय की गई दूरी मान लेते हैं एक्स। तब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को ट्रेन व टैक्सी से, मतलब कि घर से कार्यालय जाने में उसको क्या कितना किलोमीटर दूरी तय करना पड़ रहा है? 90 किलोमीटर। वह ट्रेन और टैक्सी दोनों से उस दूरी को तय करता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हो गया पहला समीकरण, है ना। दिया क्या था कि घर से कार्यालय, घर से उसको कार्यालय, घर है ये उसका, ये हो गया कार्यालय जाने में उसको कितना किलोमीटर दूरी तय करना पड़ रहा है? 90 किलोमीटर। वह ट्रेन और टैक्सी, इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी दोनों का उपयोग करता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हो गया पहला समीकरण। उसके बाद आगे बोल रहा है कि उस व्यक्ति द्वारा, यह हो गया पहला शर्त। दूसरे शर्त में बोल रहा है कि व्यक्ति द्वारा ट्रेन से तय की गई दूरी टैक्सी से तय की गई दूरी की 2 गुनी है, है ना। व्यक्ति द्वारा ट्रेन से तय की गई दूरी टैक्सी से तय की गई दूरी की 2 गुनी है। ये हो गया दूसरा समीकरण। यही दोनों हो गया उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रश्नावली में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 2 ठो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और पहला दूसरा समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरणों के लिए आलेख में रेखा दर्शाया गया है, आलेख में रेखा दर्शाया गया है और उस रेखा को देखते हैं हम, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे, कौन से बिंदु पे? 2 और x का मान जहाँ पे 2 है, x और y पे काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये हो गया कौन सा हल हो जाएगा जब एक दूसरे को, दो समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तब वो क्या होता है? अद्वितीय हल है। क्या लिखेंगे उत्तर में? यह एक अद्वितीय हल है। तब x और y के मान क्या हो जाएंगे? जहाँ पे जिस बिंदु पे काटते हैं वही उस समीकरण का हल होता है और वही उस समीकरण में x और y का मान होता है। तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 3, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ चित्र को देखना है, उसको बताना है कि चित्र को देख के बताना है कि वो कौन सा हल है और x और y का मान बताना है। तो अब दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 में। अब देखते हैं इस समीकरण को देख कर कि ये जो चित्र बना हुआ है वह क्या है? संपाती, जो क्योंकि एक ही रेखा पर दोनों समीकरण को दर्शाया जा रहा है, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण को दर्शाया जा रहा है, तो कहेंगे कि वो दोनों समीकरण एक ही जैसे है। जैसे कि समीकरण 2 में देखते हैं, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 आएगा। इसमें मैं 3 का गुणा कर देती हूँ, इस समीकरण में दिए हुए समीकरण दूसरा में 3 का मैं गुणा करूँगी तो ये वाला समीकरण मेरे को प्राप्त होगा। अर्थात ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एक ही जैसे है, तो जब दोनों समीकरण एक जैसे हैं तो दोनों समीकरण एक ही रेखा पर प्राप्त होंगी जो संपाती होंगी। तो इसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं है। इसका उत्तर में क्या आएगा? कोई हल नहीं है और x और y के क्या मान होंगे? कोई मान नहीं होंगे। तो इसको 0 0 या फिर कोई भी मान नहीं होंगे, तो इसको लिखना ही नहीं है, बस लिख देना है कि कोई हल नहीं है, क्योंकि इसमें x और y के क्या उभयनिष्ठ नहीं प्राप्त होते हैं, कई उभयनिष्ठ मान प्राप्त होते हैं, तो इसमें x और y के कोई हल नहीं होते। संपाती है। अच्छा, संपाती होते हैं तो क्या होता है? अनंततः अनेक हल होते हैं क्या? नहीं, संपाती होते हैं तो कोई हल नहीं है।
समांतर रेखा होती है तब कोई हल नहीं होता। तो इस चित्र को देखते हैं आलेख। अच्छा, इसके लिए चित्र दिया हुआ है क्या? जब संपाती होते हैं तो अनंतता अनेक हल होते हैं, एक दूसरे पे मिलेंगे तब अनंतता अनेक हल होंगे, क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु उन दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होते हैं, तो अनेक हल हैं। ठीक है, और एक्स और वाई के मान नहीं प्राप्त होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ठड स अब और स। समीकरण माइनस एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू थ्री, और टू एक्स दूसरा समीकरण है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू अनेक हल होंगे। ब में क्या है? अनेक हल हुआ। और तीसरा में देखते हैं क्या हुआ, चित्र देखते हैं। चित्र में दोनों समांतर रेखाएं हैं, इस वजह से क्या है, जो पहला समीकरण दिया हुआ है वो और वो जो दूसरा समीकरण दिया हुआ उससे जो प्राप्त रेखाएं हैं वो क्या हैं, समांतर रेखाएं बना रही हैं। तो इस समीकरण से जो प्राप्त रेखा है वो समांतर है, इस वजह से समांतर रहता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं है, और तब एक्स और वाई के मान भी नहीं मिलते। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स के बाद द। समीकरण एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू में, यहाँ पे दोनों समीकरण एक दूसरे को कौन इस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु में क्या मान है, एक्स का मान ऋण एक और वाई का मान दो। तो जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल है, और एक्स और वाई के मान क्या होंगे, ऋण एक और दो, ऋण एक और दो। जिस बिंदु पे काटते हैं वही एक्स और वाई के मान होंगे और वही उस समीकरण का हल होगा। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे आप बीजीय विधियाँ। बीजीय इस पार्ट में हम तीन प्रकार की विधियाँ पढ़ रहे हैं। पहला आलेखी विधि देखे थे, जिसको हमने इसे पहले आलेख पर दर्शा करके समीकरणों के हल प्राप्त किए, पहला आलेखी विधि। उसके बाद दूसरा विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि उसके बाद है तीसरा, इसी में विलोपन विधि। विलोपन विधि आगे देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उसके बाद इसी में विलोपन विधि भी, दूसरा विधि यहाँ पर लिया हुआ है विलोपन विधि, उससे भी कुछ क्वेश्चन हम इस उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे और समझेंगे कि विलोपन विधि से कैसे समीकरण को प्राप्त करते हैं एक्स और वाई का मान, और प्रतिस्थापन विधि से भी कई उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद उदाहरण 12, उदाहरण 14, फिर 15, 16, 17 तक उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्नावली दिया हुआ है, प्रश्नावली 2। सोचें और चर्चा करें, प्रश्नावली दो में भी प्रश्न दिए हुए हैं। उसी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करना है, और भी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ समीकरण निकालने के लिए भी प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।